आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिवनी शहर में अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा राष्ट्रीय कौमी एकता समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कौमी एकता समिति के द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों, बुजुर्गों, समाज सेवियों आदि का सम्मान किया गया। इस दौरान अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी गई। ये एक प्रोग्राम हर साल यहाँ पर होता है, 15 अगस्त के अवसर पर सिवनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। स्टेज पर आप देख रहे होंगे अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा ये प्रस्तुति दी जा रही है। दरअसल मौका था राष्ट्रीय कौमी एकता समिति के द्वारा खिलाड़ियों, बुजुर्ग, समाज सेवियों आदि के सम्मान का। इस कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग उपस्थित हुए और लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आनंद उठाया गया। जो भी प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा दी गई, उन कलाकारों की उन प्रस्तुतियों को सभी ने बहुत सराहा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी ने सम्मान समारोह में जिनका सम्मान किया गया उनका अभिवादन किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देख सकते हैं किस तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित आपको दिखाई दे रहे होंगे। कार्यक्रम मूलतः जो था वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं मूल कार्यक्रम, मूल आयोजक क्या, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, आइए देखते हैं। आज सकीब फारूक जी हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी याद हमारे साथ है। ये कार्यक्रम उन्हीं की सोच थी कि 15 अगस्त को अपन प्रोग्राम करेंगे, मगर आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनके अजीज मित्र हनी बिगवाल कव्वाल साहब भी उनको हमेशा याद करते हैं। और सुलेमान जी जोरदार ताली हो जाए एक बार, एक साथ क्लियर। और असलम भाई हाजी साहब भी मौजूद हो गए। असलम भाई जिनसे निवेदन करेंगे वो भी मंच में आए। सर ये फोटो बहुत जरूरी है, रूट गए हैं ना। मैं सभी भाई से चाहूंगा कि सुगंध भैया हमारे ये हार बनाइए एक बार। आइए जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। ये सम्मान पत्र और एक स्मृति चिन्ह सुगंध भैया को बेस्ट हॉकी प्लेयर के लिए। और कभी भी देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले हम लोग बहुत लड़ते थे तो पुलिस थाना कचहरी बहुत होता था, तो अब क्या करें, पुलिस पूछ रही थी, मैंने कहा सुगंध भैया खड़ा कर दिया, अरे साहब के मार दिया। जोरदार ताली हो जाए एक बार, एक साथ। ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं और गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज करते हैं। डॉक्टर जी एस सिद्धू एक बड़े प्यारे से और हंसमुख हैं, हमेशा लोगों का इलाज हंसते हुए कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, क्या बात है। और तो उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है और सदा बना रहेगा, बहुत चाहते थे मुझे वो। और जेपी अनवर साहब जी हम लोगों को आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी कमी हमें खल रही है। और हमें कलाकारों को बड़ा मदद करते थे। सुलेमान जी हैं, हम लोग सभी लोग हनी भाई हैं, फैयाज भाई हैं, हम सब जाते थे, मदद करते थे हमारी। हैदर भाई हैं, जो ये चाहूँगा कि ये सम्मान हम आपको दे रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। और आज 15 अगस्त में सभी लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और जश्न 15 अगस्त की सबको मुबारकबाद। दो पंक्ति पेश कर रहा हूँ मैं, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना और लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना,
और चार पंक्ति और पेश कर रहा हूं कि मैं हूं मुस्लिम, तू है हिंदू। मैं हूं मुस्लिम, तू है हिंदू, दोनों है इंसान। मैं हूं मुस्लिम, तू है हिंदू, दोनों है दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। और अपने दिल का है यारों बस यही अरमान कि एक ही थाली में खाए सारा हिंदुस्तान। और इसी नहीं, मेहनत बहुत करें इस प्रोग्राम के लिए, इनमें जोरदार ताली हो जाए बेटा। हाँ, ये सामने देखें सर, लाइए ये। हाँ सर, जोरदार ताली हो जाए। हैदर अली जी आप भी आ जाइए जरा। इस पर हमें गर्व है, जाते जाते छोड़ जाओ अपनी यादों के नकूच, आने वाले काबलों के रहनुमा बन के चलो। आज आप इंसान के औलाद इंसान बनूंगा, खेत में किसान, मार्केट में व्यापारी और सड़क में जवान। जय जवान जय किसान, मेरा देश भारत दान, आया इंसान भागा सेना। तो ये सम्मान समारोह का कुछ लम्हा हमने आपको बताया। अब यहाँ प्रस्तुति इनके द्वारा दी जा रही है। गाने देशभक्ति से ओतप्रोत इन गीतों की यहाँ पर प्रस्तुति दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मौका एक बार फिर हम आपको बताएं, राष्ट्रीय कौमी एकता समिति के द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सिवनी शहर में खिलाड़ियों, बुजुर्गों, समाज सेवियों आदि के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, भारी तादाद में लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को सुना गया, सराहा गया, देखा गया। अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा ये सारी प्रस्तुति यहाँ पर, जो भी आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं, गीत आदि सुन रहे हैं, वो सब कुछ अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा यहाँ संपन्न कराया गया। उनके पूरा अशोक अकेला म्यूजिकल ग्रुप के सभी सदस्य पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, पर ये राष्ट्रीय कौमी एकता समिति की इकाई के द्वारा, जिले में राष्ट्रीय कौमी एकता समिति के द्वारा खिलाड़ी, बुजुर्ग, समाजसेवी आदि के सम्मान का ये समारोह रखा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।